Want to speak real Urdu from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at urdupod101.com. You've decided to study a new language, so now what? Well, you want to become fluent fast, right? Here are the top 5 shortcuts to learning a language. Number 1. Create a study schedule and set some goals. Many language learners are unorganized. Creating a schedule allows you to free up time to study consistently. Goals give you motivation and something to strive for. Number 2. Make it fun. If you learn how to make your study time enjoyable, chances are you'll be more inclined to study. Watch a TV show with subtitles or listen to some music. Number 3. Find a language partner. This is the best way to improve your conversation skills. It will help you gain fluency even faster and increase confidence when speaking. Number 4. Use word lists to build up a solid vocabulary. This is a great way to build up your fluency, one word at a time. Luckily, we have all the word lists you need, with a range of topics, from food to love. Choose whichever language you want to study and go. Number 5. Don't be afraid to make mistakes. Nothing helps you improve more than correcting your own errors. You're more likely to remember it correctly the next time around. Everyone makes mistakes. Don't be afraid to learn from them. There's no magical way to learn a new language overnight, but doing all of these can really help your learning process. And remember, if you're interested in getting on the fast track to fluency, sign up for your free lifetime account. No credit card required, and you'll get the best free online resources. Start learning now. एक आदमी एक खातून से अपने बटवे के मुतल्लिक बात कर रहा है। वो अपने बटवे की तलाश कहाँ करेगा? आहा, नहीं, मुझे मेरा बटवा नहीं मिल रहा है। मैंने इसको कहीं पर छोड़ा होगा। क्या? क्या आपको याद है कि आपने इसको आखिरी बार कहाँ पर इस्तेमाल किया था? नहीं, मुझे याद नहीं आता। अच्छा, तो फिर चलिए हम सोचने की कोशिश करें कि आज के दिन आप कहाँ पर गए थे। ठीक है, पहले मैं अपने दोस्त के साथ एक फिल्म देखने के लिए गया था। इसके बाद हम एक कैफे में गए, लेकिन मेरे दोस्त ने मेरी तरफ से अदायगी की, इसलिए मैंने अपने बटवे को नहीं छुआ। लेकिन क्या तुम्हें फिल्म की टिकट खरीदते वक्त इसे इस्तेमाल करने के बारे में याद है? हाँ, और हम जिम की तरफ चले गए। इसके बाद मैंने इस बात को नोट किया कि ये मेरे पास मौजूद नहीं है। क्या तुमने जिम में रकम इस्तेमाल की थी? नहीं, क्योंकि रुकनियत की फीस मेरे बैंक अकाउंट से हर माह खुद ब खुद तौर पर अदा की जाती है। अरे, मुझे याद आ रहा है, मैंने वेंडिंग मशीन पर कुछ जूस खरीदा था। बिल्कुल सही, तो फिर हम वहां पर जाकर इसे तलाश करेंगे। वो अपने बटवे की तलाश कहां करेगा? एक आदमी एक खातून से अपने बटवे के मुतल्लिक बात कर रहा है। वो अपने बटवे की तलाश कहाँ करेगा? आहा, नहीं, मुझे मेरा बटवा नहीं मिल रहा है। मैंने इसको कहीं पर छोड़ा होगा। क्या? क्या आपको याद है कि आपने इसको आखिरी बार कहाँ पर इस्तेमाल किया था? नहीं, मुझे याद नहीं आता। अच्छा, तो फिर चलिए हम सोचने की कोशिश करें कि आज के दिन आप कहाँ पर गए थे। ठीक है, पहले मैं अपने दोस्त के साथ एक फिल्म देखने के लिए गया था। इसके बाद हम एक कैफे में गए, लेकिन मेरे दोस्त ने मेरी तरफ से अदायगी की, इसलिए मैंने अपने बटवे को नहीं छुआ। लेकिन क्या तुम्हें फिल्म की टिकट खरीदते वक्त इसे इस्तेमाल करने के बारे में याद है?
हाँ, और हम जिम की तरफ चले गए। इसके बाद मैंने इस बात को नोट किया कि ये मेरे पास मौजूद नहीं है। क्या तुमने जिब में रकम इस्तेमाल की थी? नहीं, क्योंकि रुकनियत की फीस मेरे बैंक अकाउंट से हर माह खुद ब खुद तौर पर अदा की जाती है। अरे, मुझे याद आ रहा है, मैंने वेंडिंग मशीन पर कुछ जूस खरीदा था। बिल्कुल सही। तो फिर हम वहां पर जाकर इसे तलाश करेंगे। हेलो, आपका नाम क्या है? हेलो, मेरा नाम अली है, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशा है। आशा जी, आपका नाम अच्छा है। आपका शुक्रिया। कमाल जी, आप कैसे हैं? ओह माहिमा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ, आपका शुक्रिया। आपका बेटा कैसा है? वो बहुत अच्छा है, आपका शुक्रिया। आपके पास कितनी बिल्लियाँ हैं? मेरे पास एक बिल्ली है। और कितने कुत्ते? दो। मकान नंबर 20 कहाँ है? वो यहाँ से थोड़ा दूर है। क्या बस वहाँ जाएगी? जी हाँ, बराहे मेहरबानी बस नंबर 12 लीजिए। आपकी उम्र क्या है? मैं 30 साल का हूँ। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। Want to speak real Urdu from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at urdupod101.com. To master a new language and understand everything as soon as you hear it, to read with just a quick glance and speak smoothly without thinking, you need to review. Here are our top 5 review tactics. Number 1. Listen to examples over and over again. By listening closely and often, you start to pick up the rhythm of a language, as well as correct pronunciation from a native speaker. Use our line-by-line feature that lets you both listen and read along. Use this tool to practice as much as possible. Number 2. Use our voice recording tool to master perfect pronunciation. Record yourself and compare it against the native speaker. If you sound different, then repeat after the native speaker until you're able to match them. Use our voice recording feature, which makes recording super easy. Number 3. Master your recorded conversations. Record conversations and go over them again and again. Master entire conversations and repeat them line by line. Use any of the dialogues available for download on our website. These come with transcripts of the entire conversation. Number 4. Use mobile devices to reinforce previously learned conversations. Constant review is the best way to progress in your language studies. Download the recorded dialogue to your mobile device and incorporate it into your music playlist. Quick reviews throughout the day effectively reinforce what you've learned. Number 5. Read with line-by-line notes. Read along with a native speaker to really master pronunciation and natural intonation. You should start slow at first, then slowly increase your speed. Your pronunciation will become more natural. You will also see that your ability to understand fluent speakers will greatly increase. You'll be able to improve your communication skills using these 5 simple review techniques. Increase your understanding of your target language. And remember, if you're interested in getting all these review tools, sign up for your free lifetime account. No credit card required, and you'll get the best free online resources. And start reviewing more every day. एक मर्द और एक खातून बात कर रहे हैं। वो सबसे पहले क्या करेंगे? आज आप क्या करना चाहती हैं? मैं फिल्म देखने जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं टीवी पर बेसबॉल का खेल देखना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं खरीदारी करने भी जाना चाहती हूँ। बेसबॉल का खेल दिन 1 बजे शुरू होगा। ठीक है, फिर हम पहले फिल्म देखते हैं और इसके बाद आप बेसबॉल का खेल देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, फिर शाम को हम खरीदारी करने जाएंगे। वो सबसे पहले क्या करेंगे?
एक मर्द और एक खातून बात कर रहे हैं। वो सबसे पहले क्या करेंगे? आज आप क्या करना चाहती हैं? मैं फिल्म देखने जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं टीवी पर बेसबॉल का खेल देखना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं खरीदारी करने भी जाना चाहती हूँ। बेसबॉल का खेल दिन 1 बजे शुरू होगा। ठीक है, फिर हम पहले फिल्म देखते हैं और इसके बाद आप बेसबॉल का खेल देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, फिर शाम को हम खरीदारी करने जाएंगे। एक मर्द एक खातून से अपने सफर के शेड्यूल के बारे में बात कर रहा है। वो घर कब लौट रहा है? आप अगले हफ्ते सफर पर जा रहे हैं या नहीं? जी हाँ, मैं मंगल को लंदन जा रहा हूँ। मैं वहाँ 2 रातें रुकूंगा। इसके बाद आप पेरिस जा रहे हैं? जी, मैं जुमे रात को पेरिस जाऊंगा और वहाँ रात भर रुकूंगा और फिर मैं घर वापस आ जाऊंगा। यानी आप हफ्ते को मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, ठीक है ना? जी हाँ, मैं शामिल हो सकता हूँ। वो घर कब लौट रहा है? एक मर्द एक खातून से अपने सफर के शेड्यूल के बारे में बात कर रहा है। वो घर कब लौट रहा है? आप अगले हफ्ते सफर पर जा रहे हैं या नहीं? जी हाँ, मैं मंगल को लंदन जा रहा हूँ। मैं वहाँ 2 रातें रुकूंगा। इसके बाद आप पेरिस जा रहे हैं? जी, मैं जुमे रात को पेरिस जाऊंगा और वहाँ रात भर रुकूंगा और फिर मैं घर वापस आ जाऊंगा। यानी आप हफ्ते को मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, ठीक है ना? जी हाँ, मैं शामिल हो सकता हूँ।